चलिए आज बनाते हैं बहुत ही टेस्टी और चटपटा कुरकुरा नाश्ता। सिर्फ दो आलू और एक पोहे से, एक कप पोहे से हम बहुत अच्छा टेस्टी नाश्ता बनाकर तैयार कर लेंगे। एकदम क्रिस्पी बनाए, देखने से आपको पता ही चल रहा होगा, काफ़ी हेल्दी भी है और घर में पसंद भी सबको आएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं दीक्षा, वेलकम टू माय चैनल इजी एंड टेस्टी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने 3 उबले हुए आलू लिए हैं। उबले हुए आलू पिछले दिन के हों तो भी चलेंगे, जैसे भी हो बस अच्छे से उबले हुए हों। अगर ताज़ा उबले हुए आलू हों तो आप उनको अच्छे से ठंडा करके फिर ग्रेट कर लेंगे। इस तरह से हम अच्छे से इनको ग्रेट कर लेंगे। अब मैंने आधा कप पोहे को पानी के अंदर भिगो दिया था 5 मिनट। अब वो पोहा हम इसके अंदर मिला देंगे। पोहा फूल कर बिल्कुल डबल हो जाता है। अब डालेंगे थोड़े से मसाले। 1 चम्मच मैंने अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डाला है और 1 प्याज जो है मीडियम साइज़ का उसको बारीक चॉप करके डाला है। बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी नाश्ता बनता है और खाने में काफ़ी स्वाद भी है और ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 मिनट में आप बना भी लेंगे। 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे, 1 चम्मच चाट मसाला डाल देंगे, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। मसाले जो भी आपके पास घर में मौजूद हो वही डाले जा सकते हैं। मैंने थोड़ी सी इसमें हींग का पाउडर डाल दिया ताकि अच्छा सा टेस्टी चटपटा टेस्ट आए और डाइजेस्टिबल भी रहे। और स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। वैसे मैंने इसमें 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया। सारी चीज़ों को अच्छे से डालने के बाद इसमें डालेंगे खूब सारा हरा धनिया। हरा धनिया तो डालना ज़रूरी है और आजकल हरा धनिया अब आ भी बहुत अच्छा रहा है। हरा धनिया सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, तो आप हरे धनिया को हर चीज़ में शामिल ज़रूर किया कीजिए। बस इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका एक बिल्कुल सॉफ्ट डो बनाकर तैयार कर लेंगे। है ना फटाफट वाली रेसिपी और सबको वाकई पसंद भी बहुत आने वाली है। अब हाथों को हल्का सा चिकना करेंगे, कोई रेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं। फटाफट से इसके आप चाहे तो बॉल बनाइए, चाहे तो रोल बनाइए और चाहे तो टिक्की की शेप बनाइए। वैसे तो मैंने आज इनके टिक्की की शेप यानी कबाब की तरह बनाए हैं। खाने में काफ़ी चटपटे हैं और इस तरह दबाकर प्रेस करके बनाने से ना ये अच्छे से तले जाते हैं और खाने में बहुत टेस्टी भी लगते हैं। इसका एक फ़ायदा और है, आप चाहे तो इन्हें पहले दिन या 3-4 दिन पहले ही बना कर रख सकते हैं आराम से, और इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रख दीजिए और जब भी आपको सर्व करना हो ना बस फटाफट से इसको आराम से फ्राई कीजिए। शैलो फ्राई भी किया जा सकता है और डीप फ्राई भी, और बहुत कम ऑयल में भी सेका जा सकता है। जैसे आपकी मर्जी हो वैसे इसको आराम से सेक लेंगे। पहले तो हम टिक्कियाँ ही बना लें क्योंकि सबसे पहले तो वही बनानी ज़रूरी है। 3 आलू और 1/2 कप पोहे के अंदर टोटल 10 हमारे कबाब बनके तैयार हुए हैं और वो देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं, साथ में खाने में भी बहुत अच्छे बने हैं। इस तरह से इनको शेप देते कि हम अच्छे से बिल्कुल प्रेस कर करके इस तरह की शेप बनाएंगे। शेप वैसे आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग बना तो सकते हैं, लेकिन ये शेप सबसे ज़्यादा बेस्ट रहती है। इस तरह के नाश्ते अगर घर में पड़े हों और अचानक से कोई मेहमान आ जाए ना तो उसको हम फटाफट से बना कर सिर्फ फ्राई करके खिला सकते हैं। ये देखिए टोटल 10 टिक्की हमारी बनकर तैयार हुई है। अब मैंने एक बाउल के अंदर 2-3 चम्मच के लगभग मैदा लिया है। इसकी जगह आप कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं। बस इसका हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक बिल्कुल पतला बैटर बना के तैयार करेंगे। बैटर को बिल्कुल पतला रखना है क्योंकि गाढ़ा अगर बैटर होगा ना तो इसके अंदर जो हमने फिलिंग भरेंगे ना उसका टेस्ट नहीं आएगा, तो इसलिए हमें बैटर का बिल्कुल एक पतला घोल बनाना है। बस इसके ऊपर एक हल्की सी पतली सी लेयर चढ़ जाए उतना काफ़ी है। ये देखिए मैंने कितना पतला बैटर रखा है और इसे बनाने में मेरे को 1/2 कप पानी का इस्तेमाल करना पड़ा। बस अब हमारा बैटर बनके तैयार है। साथ में मैंने 2 ब्रेड पीस जो उनको अच्छे से क्रम कर लिया था, इसे इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ऊपर की लेयर हमें बिल्कुल भी फीकी ना लगे इसके लिए 1/2 चम्मच नमक डाल दिया। आप चाहें तो 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। बस इस तरह से हमारा एक बहुत अच्छा घोल बनके तैयार है। और साथ में मैंने 2 ब्रेड पीस को अच्छे से चूरा बना लिया, मिक्सी में डालिए और चूरा कर लीजिए। एक एक टिक्की को हम इस तरह से बैटर में डिप करते जाएंगे और उसके ऊपर इस तरह से ब्रेड क्रम को कोट करते जाएंगे। इस समय आप कांटे का इस्तेमाल करें, इससे आराम से बिल्कुल भी आपके हाथ भी गंदे नहीं होंगे और बैटर से अच्छे से ये कोट भी हो जाए। ये देखिए किस तरह से मैं आपको करके दिखा रही हूँ, बिल्कुल इसी तरह से कीजिए। एक बार इस नाश्ते को आप अपने घर में ट्राई जरूर कीजिए, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आपको खुद को ही बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और चटपटा लगेगा क्योंकि इसमें हमने अदरक और हरी मिर्च डाली है, साथ में पोहा और आलू। तो सारी चीज़ें ऐसी हैं जो घर में बड़े आराम से मिल जाती हैं। इस तरह की आसान रेसिपी बनाने का फ़ायदा क्या होता है, एक तो फटाफट बन जाती हैं, खाने में अच्छी लगती है, दूसरा सबको पसंद बहुत आती है और बनाने का कोई झंझट भी नहीं, ज़्यादा बर्तन भी नहीं करने पड़ते। बस इस तरह से हम अच्छे से कोट कर करके और सारी अपनी टिक्कियां इसी तरह से तैयार कर लेंगे। इस तरह के नाश्ते को आप शाम की चाय के साथ या टिफिन में किसी भी समय सर्व कर सकते हैं और आप चाहें तो इन्हें 2-3 दिन उठाकर रख सकते हैं। बस जब फ्राई करना हो फटाफट से ऑयल गर्म कीजिए।
आज गला बहुत ज़्यादा ख़राब है और मैं इन्हें शैलो फ्राई कर रही हूँ। बस इस तरह से एक एक टिक्की को गरम गरम तेल में डालना है और मीडियम हाई फ्लेम पर हम इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेंगे। त्योहारों में ज़्यादा मिठाई खा ली ना, तो इसलिए लगता है गला ज़्यादा ही ख़राब हो गया। पर वैसे सच्चाई ये कहने की बात होती है, त्योहारों में तो मिठाई बिल्कुल भी नहीं खाई जाती, देख के मन भर जाता है और बाद में याद आती है। आवाज़ में जो खराबी है उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन कुछ कर नहीं सकते क्योंकि गला बहुत ज़्यादा ख़राब है और वीडियो डाले हुए भी कई दिन हो गए हैं। त्यौहार के चक्कर में टाइम ही नहीं मिलता। अब ये देखिए, इस तरह से हम इनको अच्छे से दोनों तरफ से गोल्डन फ्राई होने तक फ्राई कर लेंगे और उसके बाद गरम गरम टोमेटो केचप के साथ या ग्रीन चटनी जो आपको पसंद हो उसके साथ सर्व कर देंगे। अच्छे से पलट पलट के फ्राई करने से क्या होगा, अच्छे से दोनों तरफ से कुरकुरे हो जाएंगे और साथ में बहुत ज़्यादा क्रिस्पी लगेंगे और बहुत ऑयल भी खर्च नहीं हुआ। ये देखिए, 5 या 6 मिनट के अंदर ही अच्छे से दोनों तरफ से लाल हो गए, एकदम सुनहरे सिक गए। और उम्मीद है आप सबको रेसिपी पसंद आई होगी और अगर आपको सबको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ नई नई रेसिपी को देखते रहने के लिए बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिए ताकि जितनी भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ उन सब का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाए। तो चलिए अब विदा लेती हूँ, फिर मिलेंगे नई रेसिपी में। अच्छे से ये गोल्डन फ्राई हो गए तो इनको मैंने एक टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल लिया जिससे जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल हो ना वो भी टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब कर लेगा। इस तरह से बहुत ही अच्छा नाश्ता तैयार है और आजकल मैच के दिन चल रहे हैं, सबको उस समय कुछ ना कुछ खाना चटपटा अच्छा लगता है, तो उस समय आप फटाफट से ये सर्व कर सकते हैं। आपका समय भी बचेगा और मेहनत भी, और सबको पसंद भी बहुत आएगा। देखिए कितनी क्रिस्पी बन के तैयार हुए। तो चलिए फिर मिलेंगे कल नई रेसिपी में, तब तक के लिए बाय। आप सब अपना ध्यान रखिए और सेहतमंद बने रहिए। थैंक यू।